मैं मोहम्मद रंगजेब खान आप सब न्यू वाले स्टूडेंट्स को आपके अपने चैनल एजुकेशन गेटर में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो मिड टर्म के हवाले से है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन के लिए और अच्छे ग्रेड के लिए ये वीडियो जो है वो क्रिएट की जा रही है, ताकि आप सबको ये सब चीज़ें पता चल सकें कि आप किस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहते हुए अच्छे ग्रेड जो है वो हासिल कर सकें, अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहते हुए ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते और अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो उसी वजह से ये वीडियो जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट फाइल्स जो हैं वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा कि आपने किस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। तो शॉर्ट वे से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर रोज़ के रोज़ अगर आप लेक्चर्स लेते हैं, तो आप पर डे में लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट करते होंगे, तो उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स और कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उन्हीं लेक्चर्स में से क्रिएट हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जिसमें से आप पहले 5 लेक्चर्स में से आप एक क्विज देते हैं, फिर सेकंड 5 में से और थर्ड 5 में से 15 लेक्चर्स ऐसे कवर होते हुए आपके कुछ क्विजेज जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। लास्ट पे आपका जो ये मिड है ये इन्हीं तमाम लेक्चर्स को ऐड करते हुए आपका मिड टर्म जो है वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि आपने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो इसमें क्रिएट किया जा सके, दिखाया जा सके। तो आपने जिस तरीके से भी लेक्चर्स लिए, आपने रीड आउट किए, आपने हैंडआउट्स जो है उनको रीड अप करना है, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आपने पढ़ना है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते स्टडी को, तो आपने शॉर्ट वे से अगर स्टडी में अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो उसके लिए शॉर्ट जो है लेक्चर्स और शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट हाइलाइट्स ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप हासिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। इन तमाम वे से भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, 1 से 2 दिन 3 दिन आप अगर स्टडी को टाइम देते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप स्टडी करते हुए 7 ग्लोसरी का ऑप्शन जो होता है उसको यूज़ करें। आपके जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें इंडेक्स और ग्लॉसरी उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, आप उसको अगर रीड अप करेंगे आपके ऑल टॉपिक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, आपके ऑल टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, आप तब भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन आता है कि आपने कोई स्टडी नहीं की, कुछ भी आपको नहीं आता और आप अच्छे फिर भी मार्क्स हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो मिड टर्म की फाइल्स होती हैं या फाइनल टर्म की फाइल्स होती हैं आप उसकी तरफ जाते हैं, आप उसको याद करते हैं, क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो अब उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि वो फाइल्स जो होती हैं ये सब लोग जितने भी आपको यूट्यूब पर नज़र आएंगे, आप जहाँ से भी फाइल्स पढ़ते हैं, लेते हैं, जो भी आप करते हैं, ये सब अपने लिए ही क्रिएट करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो बाय कर सकें या लोग जो हैं वो इनसे पढ़ सकें। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, जिनके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं लगाए गए होते। तो इसीलिए अगर आप उन फाइल्स को भी पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उन फाइल्स को मस्ट जो है एक दफ़ा चेकआउट कर लें कि क्या उनके आंसर्स जो हैं वो सही हैं कि नहीं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर्स जो हैं वो मस्ट पढ़ें, रीड करें अपने हाथों से, और लाजमी लेक्चर जो हैं एक दफ़ा उनका कंसेप्ट जो है वो पढ़ लें। और थर्ड, अगर आपके पास फाइल्स नहीं भी हैं या हैं
तो उनको मस्ट एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जितने टॉपिक्स क्लियर किए हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ, अगर आप कोई जॉब नहीं करते, अगर कोई आपके पास वर्क नहीं है, और अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के लिए मौजूद हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस है जिसमें आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने सेल आउट करनी होती हैं और अच्छा खासा आपने रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना होता है, अपना प्रॉफिट जो है वो हमसे लेना होता है। तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, वर्क भी करना चाहते हैं, स्टडी भी करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ मेरे कोर्सेस जो है वो सीखना चाहते हैं, तो आपको नीचे कॉन्टेक्ट जो है नंबर जो है मेरा वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं। तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, किसी भी किस्म का जो है चार्जेस नहीं लिए जाते। और लास्ट स्क्रीन पर मेरा आपको वर्चुअल टेक्नोलॉजी का चैनल जो है वो नज़र आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do.